हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके पे। और आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की, आपको आंसर की कैसे देखनी है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पे आपको जाना है। और यहाँ सबसे ऊपर ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस लेटेस्ट न्यूज़ के नीचे आपको एक अप्रैल 2019 का एक, और इसके साथ ही आपको एक ये लिंक दिख रहा है SSC GD आंसर की वाला। आपने इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद दोस्तों आपके पास एक PDF पहले आएगा। PDF में लिखा है कि आंसर की कब जारी की गई, और इसके नीचे सबसे नीचे आपको ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिंक आपको ये दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार आपको दिखाएगा। इसमें लिखा है आंसर की फॉर कॉन्स्टेबल GD इन CAPF, NIA, SSF, राइफलमैन GD इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018। और ये आपको आंसर की के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक हियर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ कैंडिडेट लॉगिन आपको उसके बाद मिलेगा। आपको यहाँ अपना रोल नंबर भर लेना है। जो पेपर देते टाइम आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसमें आपका रोल नंबर है, वो रोल नंबर आपने भर लेना है। और पासवर्ड में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जैसे दिनांक भरना है, और फिर महीने भरना है। तो महीना जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 है तो 1/5, और महीना जैसे फरवरी है तो 02, और अगर साल 1994 है तो 1994 आपको पासवर्ड भर लेना है। और आपको फिर लॉगिन कर देना है। तो दोस्तों, लॉगिन करते ही आपको फिर आपको ऐसे इस तरह से एक पेज पे आपको ले जाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तो आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, दो लिंक दिख रहे हैं आपको। क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की आपको एक ये लिंक मिल रहा है, और एक ऑब्जेक्शन व्यू आपको मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले तो आपको आंसर की देखनी है। तो आपको आंसर की देखने के लिए यहाँ नीचे एक लिंक है, क्लिक हेयर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके सामने आपकी आंसर की आ जाएगी। तो दोस्तों, आप आंसर की देख सकते हैं। जैसे कि है, आप देख सकते हैं कॉन्स्टेबल GD का ये है, और 2018 का ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में हुआ था, और भर्ती 2018 में आई थी। 2019 में इसके लिए पेपर हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दे रखा है, तो आपको वापस फिर इसी पेज पे आ जाना है ये, और यहाँ आपको ऑब्जेक्शन व्यू पे क्लिक कर देना है। और अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है किसी क्वेश्चन पे, तो आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको दूसरे पेज पर ले जाया जाएगा। यहाँ आपका रोल नंबर दिखाया जाएगा, और आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ पढ़ लेना है। 100 रुपये पर चैलेंज का इसका फ़ीस है। 100 रुपये पर चैलेंज के लिए आपको फ़ीस देनी होगी। और आप आगे क्लिक टू प्रोसीड करेंगे तो आपको सीधे उसके बाद SBI के गेटवे पे ले जाया जाएगा। और यहाँ से आपको पहले फ़ीस देनी होगी, और उसके बाद आगे की प्रोसेस आपकी बाद में होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की अन्य जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज़ मिलती रहे। धन्यवाद।